शांति। आज 17 जून 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बलिहारी तुम्हारी पवित्रता की। तुम बच्चे पवित्र बनते हो तो भारत को भी पवित्र बनाते हो। इसीलिए बाबा कहे, तुम सभी लकी स्टार्स हो और देवताओं से भी उच्च हो, क्योंकि देवताएं तो नेचुरल रूप में पवित्र है। पवित्रता को धारण करने की मेहनत ब्राह्मण बच्चे करते हैं, इसलिए बाबा कहे, ब्राह्मण बच्चे देवताओं से भी उच्च है। यह जन्म तुम्हारा हीरे जैसा है, तुम बहुत उच्च सेवाधारी है। बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची दृष्टि से आज देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें हर घड़ी बाप के डायरेक्शन पर चलना है, देही अभिमानी बनना है, विचित्र बाप को याद करना है। बाबा कहे, तुमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है तो निश्चय के साथ चलते चलो, कभी भी ये हाथ को छोड़ना नहीं। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल, देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? उत्तर, पवित्रता की बलिहारी के कारण। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स देवताओं से भी उच्च हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है, तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी उच्च है, क्योंकि वह बाप की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रलब्ध भोगते हैं। आज के मुरली से पहले गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार है। बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार है, परंतु यह जो साकारी चोला लिया है, इनसे पाठ बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मनिश्चय करो। ऐसा न कहो, अहम आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहे, कभी नहीं कहो अहम आत्मा सो परमात्मा। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो। अपने को बाप समझ 84 जन्म का चक्र में डाल दिया है। ये कहने से तुम रसाताल में चले गए हो। अपने को ही ईश्वर कहने से मनुष्य रसाताल में चले गए, बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं, दो मत गाई हुई है, एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाप होते हैं तीन, एक ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, इनको परम पिता नहीं कहेंगे। यह तो प्रजा का पिता हो गया, इनका नाम भी बाला है।
श्री कृष्ण को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक बाप, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी चलती। दो मत मशहूर है, एक परमात्मा की श्रीमत, दूसरी ब्रह्मा की मत। तो बाबा कहे दोनों की मत इकट्ठी चलती है, तो महसूस करते हो यह महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गायी हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए, क्या कहते हैं दुनिया में, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये सुधरने वाला नहीं है। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे, अब तुमने यह समझा है कि प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। अभी व्यक्त ब्राह्मण है, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम सूक्ष्म वतन वासी ब्राह्मण बन जाएंगे। जैसे जैसे संपूर्ण बनते जाएंगे, अव्यक्त होते जाएंगे, तो बाबा ने बहुत सुंदर ये रहस्य खोला है कि तुम सूक्ष्म वतन वासी ब्राह्मण बन जाएंगे। जिस तरह ब्रह्मा बाबा साकार में थे, पुरुषार्थ करके संपूर्ण हुए और अव्यक्त वतन वासी बने, तो अव्यक्त वतन में संपूर्ण ब्रह्मा है। तो अव्यक्त वतन संगम युग पर रचा जाता है, जिस तरह ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त वतन में था, इसी तरह हम सभी का भी संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। तो बाबा कहे अभी व्यक्त ब्राह्मण है, पुरुषार्थ करके अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो और फिर तुम सूक्ष्म वतन वासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहां रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। अब यह मत तो नामी ग्रामी है। भगवान वाच ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहां पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। जब तक नीचे हैं साकार वतन में, तब तक इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, फिर यहां स्वर्ग में आते हैं, देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचते ऊंच बाप, फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना, ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है, शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो, बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मनिश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात, तपस्या के बाद फिर है त्याग की बात। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है, बिना वैराग्य के त्याग नहीं होता। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि यह काग विष्ठा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं।
कहते भी है कि भारत सतयुग में स्वर्ग था। नरक में रहने वाले कहते हैं कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवताएं ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, किसके साथ चल रहे हो, नशा दिलाते, किसके साथ चल रहे हो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वह कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो। विचित्र है ना, तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, न कोई आकार न कोई साकार रूप है, वह निराकार इनके ही शरीर में आते हैं। इनमें आकर बतलाते हैं यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए। 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं, और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वह इतने जन्म नहीं लेते। पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो यह है श्रीमत इसकी भगवान की। ब्रह्मा को भी वह मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा मुरब्बी बच्चा होने कारण हर बात शिव बाबा की अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कभी वह भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, देही अभिमानी भव। अब तुम प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठे हो, वह है विचित्र, तुम हो चित्र वाले। सबको कहते हो हे भाई हे आत्माएं बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ये ब्रह्मा के तन द्वारा बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश नहीं होना है, बाबा कहते हैं इन भूतों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बॉडी कॉन्शियस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बनो। भाई भाई हो तो जरूर बाप भी होगा। ब्रदर सिस्टर का बाप हो गया कौन, ब्रह्मा। ब्रदर्स ब्रदर्स का बाप है निराकार। सारी आत्माओं का बाप है निराकार। वह यह है साकार, ब्रह्मा बाबा है साकार। हम सब असल है निराकारी। फिर पाठ बजाने आते हैं। यह श्री श्री शिव भगवान वाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वह इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी ये अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ है श्री कृष्ण से भी, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रलब्ध भोगेगी, तो दोनों में बड़ा कौन, कौन ऊंच हुआ। बाबा कहे दोनों में कौन बड़ा,
कौन ऊंच हुआ? 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वह ऊंच या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच? 84 जन्म में जो पहला नंबर जन्म वाला श्री कृष्ण है वह ऊंच या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच? वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो यह है। देवताओं का तो फेस दिखाया, ब्राह्मणों की चोटी दिखाई, तो हीरे जैसा जन्म तो यह है क्योंकि यहां तुमको प्राप्ति होती है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है, इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलती है। तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो, तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स, तब तो सब माथा टेकते हैं ना। ये सारी पवित्रता की बलिहारी है, देवताओं से भी उच्च बनाता है, ये पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है जिसने तुमको अपवित्र बनाया, उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामल जैसे पापी गाए हुए हैं सतयुग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म, सदैव सुख ही सुख रहता है। यहां तो है पतित, सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहां भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था, पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा शिव की ताकत थी, नहीं, उनके पास पवित्रता की ताकत थी। तुमको उनकी ताकत मिलती है। हमारे पास दो ताकत है, एक है पवित्रता की, दूसरी है शिव बाबा की। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से, 5 विकारों रूपी रावण का राज्य है, आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं कि पतित पावन कौन, गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं। कह देते हैं कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है, अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए हैं उन्हों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये बाप समझाते हैं, बुद्धि के लिए ये भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है? बाबा का ज्ञान है बुद्धि का भोजन, और इसीलिए बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है। मनुष्य की बुद्धि अब काम नहीं करती, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास हठयोग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित है वह थोड़े राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं। इतनी गीताएं बनाई है, सबकी अपनी अपनी मत है, गीता को समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान की नहीं, फिर गीता को समझे कैसे? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो वह सब है ही भक्ति मार्ग। 5 भूतों ने अजामिल जैसी पापी बना दिया है, नंबरवार तो होते ही है, एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है,
वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डिनास्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए, इस बात का निश्चय चाहिए बाबा, बस अब हम तो आपके ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था ना, अब नहीं है, तमो प्रधान पतित बन गए। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है, दीप माला कहते हैं ना, अभी तो उजाई हुई माला है। बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। बाबा कहे ये मेरी आत्माओं की माला है, पहले आत्माओं की माला बनाता हूं, फिर विष्णु की माला बनाता हूं। शिव बाबा बनाते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। यह भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते और कभी नीचे गिरते रहते। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण है, औरों को आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चों की भी वर्षे में नजर रहती है ना। कोई कोई बच्चे कहते हैं ये बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कायत मिलेगी। कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं, बाबा के दुनिया में भी कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते। बाप कहते हैं कि मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो, मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है, इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी जिन जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहां बैठे हो, वही कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि जगत अम्बा ब्राह्मणी थी, ये बाप ही समझाते हैं। परंतु माया भी बड़ी तीखी है, निश्चय होते होते माया फिर जट संशय में ला देती है, फिर श्रीमत लेने लिए बुद्धि चलती नहीं है, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। प्रजा में भी कम पद, ना गिर गए तो प्रजा में भी कम पद। तुम हो लक्की ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना, तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का। कोई को भी दुख मत दो, मूल बात बाबा कहते हैं कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना है,
बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग है, इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, यह आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी शिव बाबा को याद करती है, यह आत्मा भी उनको बाप कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं। शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे शक्तिशाली बनाना है, योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या हूं, यदि यह रियलाइज कर बाबा कहे मैं कौन सी आत्मा हूं क्या हूं, यदि यह रियलाइज कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हूं, ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। आज का स्लोगन है, जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन to stay updated with our latest videos.